हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आ चुके हैं आप सबके लिए एक बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर। दोस्तों, जो चीज़ मैंने आप सबको आज की वीडियो में बताया था कि आज का जो मैच है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स टेबल के हिसाब से, केकेआर टीम के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों आज का मैच जीतने के बाद लगभग से केकेआर टीम ने तो मतलब पॉइंट्स टेबल में क्वालिफिकेशन तो लगभग से भी कन्फर्म ही कर लिया है, क्योंकि 6 मैचेस केकेआर ऑलरेडी जीत चुकी है, 5 मैचेस और केकेआर के पास है। टॉप 2 में जाना है, अगर फाइनल में जाने के लिए 2 चांसेस चाहिए, तब जो केकेआर के लिए मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और केकेआर ने काफी इजीली से मतलब काफी आसानी से ये मैच को जीता है। मतलब बॉलर्स ने पिछला मैच काफी मतलब कि आसानी से हराया जरूर था, लेकिन दोस्तों केकेआर बॉलर्स ने इस मैच को काफी आसानी से जितवाया भी है। जहां पे दोस्तों दोनों स्पिनर खास करके सुनील नारायण तो वो तो वैसे ही परफॉर्मेंस करेंगे, 4 ओवर 24 रन, 1 विकेट। वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट निकाले, 1 कैच भी छूटा, मतलब पंत को 2-2 बार आउट किया। साथ में दोस्तों यहां पे वैभव अरोड़ा की एंट्री ने बहुत ही ज्यादा जो इफेक्ट डाला इस मैच में, क्योंकि वो आते हैं पावर प्ले में, बॉलिंग करते हैं, विकेट निकालते हैं पावर प्ले में। और दोस्तों उसके बाद भी अच्छी बॉलिंग करी, हर्षित राणा का पहला ओवर महंगा गया लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी बॉलिंग रही। मिचेल स्टार्क को एक बार फिर से मौका मिला, लेकिन दोस्तों मिचेल स्टार्क एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो जेक फ्रेजर मिगर्क का विकेट था वो मिचेल स्टार्क ने निकाला, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहे थे पिछले 2-3 मैचों में। तो दोस्तों इसी वजह से बॉलिंग केकेआर की काफी ज्यादा अच्छी हुई है। जैसे मैंने बताया कि पिछला मैच बॉलर्स ने हराया था, इस मैच को बॉलर्स ने ही जिताया है। फिर बैटिंग में देखा जाए तो फिर फिल सॉल्ट तो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर ही रहे, पिछले मैच में भी शानदार बैटिंग, इस मैच में भी शानदार बैटिंग, और जो स्टार्टिंग से ही मतलब ऐसा स्टार्ट दे देते हैं जिससे कि क्या टीम बहुत ज्यादा आगे हो जाती है मैच में। सुनील नारायण की भी बैटिंग अच्छी रही, स्टार्टिंग में 2-3 शॉट उन्होंने अच्छा खेला। फिर दोस्तों श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने मैच को फिनिश किया। नंबर 3 पे रिंकू सिंह आए थे, लेकिन वो भी जो अनफॉर्चुनेटली 11 गेंदों में 11 रन बना के आउट हो गए। तो काफी कंफर्टेबली केकेआर टीम जीत चुकी है पॉइंट्स टेबल में, केकेआर दूसरे नंबर पे ही बनी हुई है। 9 मैचों में से 6 जीत केकेआर के पास है, और नेट रन रेट में तो केकेआर के कोई आसपास भी नहीं है, मतलब प्लस में 1.10 का है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है आगे आने वाले मैचेस में। मतलब जब पॉइंट्स टेबल में केकेआर टीम को आगे जब जरूरत पड़ेगी कि टॉप 2 में फिनिश करना है, तब दोस्तों केकेआर को ये चीज बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। तो दोस्तों एक कंफर्टेबल जीत, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था, एक बहुत ही आसानी से केकेआर टीम ने जीता है। और दोस्तों यहां पर टॉस तो एक बार फिर से श्रेयस अय्यर हार गए, लेकिन अच्छी बात थी ऋषभ पंत की कि उन्होंने पहले बैटिंग करना चुना। तो दोस्तों इसी वजह से लगातार 4 टॉस श्रेयस अय्यर हार चुके हैं। ईडन गार्डन में जो लगातार 5 मैचेस केकेआर को खेलने थे, वहां पे केकेआर टीम ने 3 मैचेस जीते हैं। और दोस्तों अब केकेआर को अगला मैच मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट वानखेड़े में खेलना है, जहां पे दोस्तों केकेआर के जो पेसर्स हैं मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, इनको काफी ज्यादा मदद मिल सकता है। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।